हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दो प्रकार के होते हैं, सैम और टैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज हम इस वीडियो में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक हैंडमेड नोट भी प्रोवाइड करूंगा, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसे सैम भी कहा जाता है। बेसिकली हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी भी सैंपल का या किसी भी स्पेसिमेन का बहुत ही अधिक गहराई से अध्ययन करना होता है या उसका अधिक मैग्निफाइड इमेज हमको प्राप्त करना होता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तुलना में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ज़्यादा मैग्निफाइड इमेज और इसका रिजोल्यूशन पावर भी ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यह हमारे स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं, सैम और टैम, उसमें से एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह आपके एमएससी सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में कंप्लीट डिटेल से वीडियो अपलोड किया है, साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में भी बताया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज उस वीडियो को पहले चेक कर सकते हैं। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यूजेस इलेक्ट्रॉन टू इल्यूमिनेट अ स्पेसिमेन एंड क्रिएट एन इनलार्ज इमेज। ठीक है, सैम का प्रयोग करके हम किसी भी स्पेसिमेन का इनलार्ज इमेज प्राप्त करते हैं। इसका डेप्थ रिजोल्यूशन होता है हमारा 10 से लेकर 100 नैनोमीटर तक। इसका लेटरल रिजोल्यूशन होता है 1 से लेकर 10 नैनोमीटर। इसका मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन पावर 10 से लेकर 500,000 गुना होता है इसका मैग्निफिकेशन पावर। उसके बाद अगर इसका प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है, इसको आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल हम जो है इसके डायग्राम से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक अगर देखें तो द सिग्नल्स यूज्ड बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस एन इमेज रिजल्ट फ्रॉम इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम विथ एटम एट वेरियस डेप्थ विद इन द सैंपल वेरियस टाइप ऑफ सिग्नल आर प्रोड्यूस। तो सिग्नल हम यूज करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सिग्नल हम यूज करते हैं वो इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो सैम में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सिग्नल हम प्रयोग करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम। एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन बीम हम यूज करते हैं जिससे हमारा जो है इमेज प्रोड्यूस होता है। तो ये इमेज कैसे प्रोड्यूस होता है, इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम विद एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम का एटम के साथ जब इंट्रैक्शन होता है तब एक इमेज प्रोड्यूस होता है स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में। इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, वेरियस डेप्थ विद इन द सैंपल वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा सैंपल में टकराएगा तो हमारा जो है एक कई प्रकार के सिग्नल प्रोड्यूस, तीन प्रकार के जनरली सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं जो प्रिंसिपल है ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ये हमारा सैंपल है, स्पेसिमेन या सैंपल है, तो ये रेडिएशन सोर्स जिसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग करते हैं, तो रेडिएशन सोर्स में इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जब सैंपल में हमारा बॉम्बार्ड किया जाता है तो तीन प्रकार के सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बैकस्टेड इलेक्ट्रॉन और एक एमिटेड एक्सरे। तीन प्रकार के सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और तीनों सिग्नल मिलकर जो है हमको कंप्यूटर मॉनिटर पर एक इमेज इस सैंपल का जो है इमेज प्रदान करते हैं। तो ये बेसिक इस फंक्शन पर वर्क करता है, ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये तीनों प्रकार के जो हमारे सिग्नल प्राप्त होते हैं आर कलेक्टेड एंड सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन इन इमेज इन 3D एंड ब्लैक एंड व्हाइट, और 3D में जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमको है इमेज 3D और ब्लैक एंड व्हाइट में प्राप्त होता है, जबकि टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें 2D में जो है प्राप्त होता है हमारा जो इमेज होगा। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट
मैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो ये इसका जो है बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिस जो कई पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन सोर्स में इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करते हैं, एनोड, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्कैनिंग कॉइल्स, ये हमारा बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ये एक्सरे डिटेक्टर, ये मोटोराइज स्टेज, ये सैंपल, इस प्रकार के ये जो है कई पार्ट से मिलकर इसका इंस्ट्रूमेंटेशन बना हुआ होता है। हर एक पार्ट का हम डिफरेंट इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स के में जो है हम इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन गन का कार्य क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रॉन गन कंटेन्स टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ होता है हमारा, जो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन सोर्स में हम इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रॉन गन कंटेन टंगस्टन फिलामेंट, जो कि 1 से लेकर 30 किलोवाट एक्सेलरेटिंग पावर वोल्टेज का होता है, इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन का बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट है एनोड, एनोड लगा हुआ होता है। तो एनोड का कार्य क्या क्या है, देखिए, एनोड इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, एंड अल्टीमेटली दिस एनोड विल एक्सेलरेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड का मेन कार्य क्या है, ये जो है जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गन, उसको एक्सेलरेट करके आगे भेजता है। इस प्रकार हमारा कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ होता है, जिनका भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है, बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन बीम इज कंट्रोल्ड बाय एनोड, कंडेंसर लेंसेज एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड लेंसेज, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। ये जो कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम होता है, ये एनोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसको एक्सेलरेट किया जाता है आगे। और कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या वर्क है, आप देख सकते हैं, जो कंडेंसर लेंस है, दिस लेंसेज विल फोकस द ऑब्जेक्ट विल फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम टूवर्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड जो कंडेंसर लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जो है इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है, दिस लेंस विल अगेन फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम टूवर्ड्स द सैंपल या स्पेसीमैन। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं उसको स्पेसीमैन सैंपल पे जो है सीधा फेंकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन इसको प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन बीम को, एनोड इसको एक्सेलरेट कर रहा है। कंडेंसर लेंस जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस है, ये जो है इलेक्ट्रॉन बीम को ये ऑब्जेक्टिव लेंस के पास भेज रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसे सैंपल प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे सैंपल, ये तो हमारा बेसिक इसके फंक्शंस हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन के जो पार्ट्स हो गए, उसके वर्क हो गए। अब जो है हमारा सैंपल, जिसके ऊपर हमको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालना है, सो सैंपल को हम यूज करने से पहले उसका प्रिपरेशन करते हैं। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए उसे क्लीनिंग करते हैं, उसे जो है वॉश करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, उसके बाद डिहाइड्रेशन करते हैं, जिसे एसीटोन और अल्कोहल प्रयोग किया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए सैंपल का। उसके बाद हम जो है एक कोट करते हैं, कोटिंग किया जाता है सैंपल के ऊपर, उसके बाद फिक्स किया जाता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में। दिस माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड टू इमेज लिविंग सेल। ठीक है, ये जो माइक्रोस्कोप्स है, ये लिविंग सेल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। लिविंग सेल के लिए प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि हम जो है सबसे पहले इसको ड्राई करते हैं, उसके बाद डिहाइड्रेट करते हैं एसीटोन और अल्कोहल से, तो उसके बाद कोट करते हैं। तो ये प्रोसेस करने में जो है हमारा जो लिविंग सेल हो ऑलरेडी डेड हो जाता है, इसलिए हम जो है लिविंग सेल का प्रयोग इस माइक्रोस्कोप में नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली इस प्रकार हम हमारा सैंपल, जब हम यहाँ पे सैंपल वॉश क्लीन कर लिए, उसके बाद उसको डिहाइड्रेशन के बाद जब हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यहाँ पे डाला जाता है, ये हमारे सैंपल में जब डाला जाता है, तो तीन प्रकार, तब अब यहाँ पे डिटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है सेम में फिर डिटेक्शन होता है, तीन प्रकार के, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिटेक्शन इज पॉसिबल इन सेम। तीन प्रकार के डिटेक्शन होते हैं, तीन प्रकार के हमको जो है सोर्स मिलते हैं, एक सेकेंडरी सिग्नल प्राप्त होते हैं, एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, एक बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और एक एक्सरे डिटेक्टर। ठीक है, एक्सरे डिटेक्टर, तो ये तीन प्रकार के सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, तीनों सिग्नल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सैंपल होता है वो मोटराइज स्टेज में रखा हुआ होता है। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, देखिए इसके बारे में पहले जानते हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, जो हमको एक सिग्नल प्राप्त होता है डिटेक्शन के बाद, तो बेसिकली हमारा जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट एब्यूंडेंट इन द केस ऑफ सैम।
ठीक है, तो डिटेक्शन में इसका देखते हैं। पहला है हमारा जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हमको डिटेक्ट प्राप्त होता है, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट एब्यूंडेंट इन द केस ऑफ सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड डिटेक्टेड बाय सुइटेबल डिटेक्टेबल। ठीक है, इसमें जो हम सुइटेबल डिटेक्टर का प्रयोग करते हैं वो है एवरहर्ट थॉर्नली आर ईटी डिटेक्टर कहा जाता है, इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर फॉर डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इन सैम। ईटी डिटेक्टर कंटेन बायस्ड ग्रिड विच इज पॉजिटिवली चार्ज टू अट्रैक्ट सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ईटी डिटेक्टर हम प्रयोग करते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए, और ईटी डिटेक्टर जो है क्या करता है, एक बायस्ड ग्रिड कंटेन करता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, अट्रैक्ट द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज टू अट्रैक्ट द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टेड बाय ईटी डिटेक्टर विल प्रोड्यूस द बेसिक इमेजिंग ऑफ सेम। ठीक है, बेसिक इमेजिंग सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो है हमारा बेसिक इमेजिंग प्राप्त होता है हमको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो कि ईटी डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता है। उसके बाद हमारा सेकेंड जो सिग्नल प्राप्त होता है सेकेंड सैंपल से जो सेकेंड डिटेक्शन होता है वो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन का होता है। एनर्जी ऑफ बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन SES आर हायर देन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सो ईटी डिटेक्टर ऑफ वेराइंग वोल्टेज कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। ठीक है, ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन का है जिसका एनर्जी जो है ज्यादा होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद हमको तीसरा जो डिटेक्शन होता है वो एक्सरे डिटेक्शन। तो इनसाइड द सैंपल होल्डर एक्सरे डिटेक्टर इज प्लेस्ड एंड इट विल डिटेक्ट द एक्सरे एमिटेड बाय द सैंपल। ठीक है, जो इनसाइड में सैंपल के अंदर में ही जो एक होल्डर एक्सरे डिटेक्टर का रखा हुआ होता है जो कि एक्सरे को डिटेक्ट करता है, एमिटेड जो एक्सरे बाहर निकलता है उसको डिटेक्ट करता है। दिस डिटेक्शन प्रोसेस इज नोन एज EDX और एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे एनालिसिस। इस प्रकार से हमको तीन प्रकार के जो है डिटेक्शन पॉसिबल है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो ये हमको प्राप्त होते हैं। और ये तीनों का आपको जो है मैंने नोट्स प्रोवाइड किया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन एक्सरे डिटेक्टर का। तो ये बेसिकली हमारा इस डायग्राम जो प्रिंसिपल हमने जिस डायग्राम से समझा था वही इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी। ये इलेक्ट्रॉन बीम है सैंपल में डाला जाता है, उसके बाद तीन प्रकार के सिग्नल हमको प्राप्त होते हैं। अब जब ये तीन प्रकार के सिग्नल हमें प्राप्त हो जाते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन और एक्सरे डिटेक्टर, तो इसको जो है हम सीपीयू में भेजा जाता है। हाँ, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के लिए हम ईटी डिटेक्टर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये तीनों को सीपीयू में भेज के हमारा कंप्यूटर सेम इमेजिंग हमको जो है कंप्यूटर में प्राप्त होता है, जो हमारे सैंपल का जो हमको जो कि इसका मैग्नीफाइड मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, उसका हमको इमेजिंग प्राप्त होता है। तीनों सिग्नल को यूज़ करके हमको कंप्यूटर में इसका इमेज प्राप्त होता है। तो ये बेसिक इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो अब हम इसका जो है एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन पार्ट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। पहला है फॉर इन्वेस्टिगेट द वायरस स्ट्रक्चर, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। 3D टिश्यू इमेजिंग, इंसेक्ट स्पोर अदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेलुलर कंपोनेंट विजुअलाइज। जियोलॉजिस्ट ऑफन यूज सैम टू लर्न मोर अबाउट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए जियोलॉजिस्ट जो है सैम का यूज करते हैं। उसके बाद जो है इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोसेसिंग, ऑल यूज सैम एज अ वे टू एग्जामिन द सर्फेस कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इस पर ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं ये वर्क के लिए। तो ये है हमारा सैम का एप्लीकेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी हुआ होगा। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट्स है, ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके बाद जो है ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो बस यही है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंप्लीट डिटेल नोट्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी हुआ होगा। तो अगर यूजफुल है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।